फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। नगर में गत दिनों नवरात्र और रामलीला के दौरान मेले में दुकानें लगाने आए बाहरी व्यापारी को व्यापार मंडल के विरोध के बाद व्यापार करने से रोक दिया गया। दुकान नहीं लगा पाने के बाद सोशल मीडिया में पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध झूठी अफवाह फैलाने की सूचना पर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कोतवाली पुलिस में बाहरी व्यापारी जावेद के खिलाफ मानहानि और सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद कोतवाल जगदीश ढगरियाल ने बाहरी ठेकेदार से वार्ता की। उप जिलाधिकारी हरगिरी ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए अतिथि के रूप में व्यापार करने आए व्यापारी से मामले की जानकारी ली, जिसके बाद व्यापारी ने पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध दिए गए बयान पर माफी मांगी। वहीं की गई गलत बयानबाजी के लिए पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल को हुए सामाजिक आहत के लिए लिखित रूप से भी माफी मांगी। वहीं पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि पालिका के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, पालिका आमजन के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। बाहरी व्यापारी द्वारा लगातार माफी मांगने पर उन्हें माफ किया गया, साथ ही भविष्य में गलतफहमी भरे वीडियो मैसेज सोशल मीडिया में नहीं भेजने की बात भी कही। जी बताएं क्या मामला था और आपने आज क्या आपके बीच समझौता हुआ? सर हम आए थे यहाँ आपके बागेश्वर में मेला लगाने के लिए। कहिए अब ये है सर, जब से मैं आया हूँ ये आज पहली बार ऐसा जो है हमारे साथ जो है इतना बड़ा विरोध हुआ है, और मैं खुद ही इसमें फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ हमें इसमें समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत लंबा नुकसान हुआ है। मेरा जो आया है पूरा स्ट्रक्चर ही बहुत दूर से आया हुआ है, और जबकि इसमें मैंने झूले वूले वालों को भी बुला रखा था, उनको भी होल्ड करा रखा हूँ। वो आर्टिजन आए थे, आर्टिजनों को यहाँ से वापसी जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। आज मुझे यहाँ हो गए 17 तारीख से मैं यहीं पड़ा हूँ। आज हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट और खादी ग्रामोद्योग के प्रदर्शनी के लिए एक एप्लीकेशन आई कि हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो हमने इनको जो है नगर पालिका की तरफ से इनके दुकान के रेट फिक्स करके इनको 5,000 रुपये पर दुकान के हिसाब से इनको हमने परमिशन दे दी थी। उसके बाद जो है व्यापार संघ का विरोध उसमें दर्ज किया गया, व्यापार संघ का विरोध दर्ज हुआ, और फिर देखने में आया कि उसमें दुर्गा पूजा, देवी पूजा और रामलाल, इन्होंने भी कहा कि जगह की कमी पड़ जाएगी, दुकानें ज़्यादा हुए और लग नहीं पाएंगी, तो फिर उसमें प्रशासन के बीच में आने से जो है एक समझौता हुआ कि इनको जो है 6 तारीख तक दुकानें इनकी रोक दी जाए। तो उसी बीच क्या हुआ कि एक वीडियो जो है जो व्यापारी बाहर से आया था उनके द्वारा एक बयान आए कि मुझे यहाँ पर चेयरमैन ने बुलाया है और मेला है बोला है, तो मुझे जो वो वीडियो मैंने जब सोशल मीडिया में देखा तो मैंने इनके खिलाफ़ एक तहरीर पुलिस थाने में दी, और मैंने इसमें लिखा कि इनको मैं जानता नहीं हूँ, इस व्यक्ति से मैं मिला नहीं हूँ, मैं इनसे मिला सिर्फ ऑफिस में, जब भी अपनी एप्लीकेशन लेके आए थे तो मेरे कर्मचारी के साथ वहाँ पर आए थे, तो इनको हमने वहाँ पर दुकान अलॉट कर दी थी, तो उसके बाद इनसे मेरा मिलना हुआ नहीं, मैं इनको पहले से भी नहीं जानता हूँ और कभी ना मेरे से इनसे कभी मेरी बात हुई है फ़ोन पर। तो इनके द्वारा वो बयान दिया, तो उस बयान से मैं बहुत आहत हुआ, क्योंकि वो जो है सोशल मीडिया में चल रहा था, तो उसके ख़िलाफ़ मैंने जो है जो थाने में तहरीर दी, उसी के सिलसिले में आज जो है यहाँ पर मजिस्ट्रेट SDM साहब के सामने जो है कोतवाल साहब भी यहीं पर थे, तो इनके द्वारा आए और इन्होंने जो है बताया कि मैंने जो है दबाव में जो है वो बयान दिए, क्योंकि वहाँ पर सभी व्यापारी पर मेरे पर जो है दबाव बना रहे थे, तो इसलिए मैंने वो बयान वहाँ पर दिए, और इन्होंने आज जो है यहाँ पर लिखित माफ़ी भी मांग दी है, और जो क्योंकि बाहर के व्यापारी हैं और मैं भी अब बहुत ज़्यादा कार्रवाई तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने बयान दिए हैं इन्होंने तो मेरी छवि ख़राब करने की कोशिश की है, तो इसमें इनको मैं हमारे द्वारा जो है माफ़ कर दिया गया है, और इन्होंने जो माफ़ीनामा